राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच पुलिस ने दो साथी रेडीबाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने आप को सीएम का पीए बताकर सरकारी कार्यालयों में रेडीबाजी का काम करते थे। वहीं कुछ दिन पहले आरोपी नीरज मिश्रा ने अपने साथी आदर्श की तनख्वाह डलवाने का दबाव एक नगर निगम अधिकारी के ऊपर डाला था और खुद को सीएम का पीए बताकर कमिश्नर की पिक्चर बनवाने की बात कही थी। हालांकि इन आरोपियों के कुछ ऑडियो भी पुलिस के हाथ लगे हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच को शिकायत मिली थी, नगर निगम के अधिकारियों द्वारा शिकायत की गई थी कि कोई व्यक्ति है जो पीए बनकर फोन कर रहा है और धमका रहा है। उस व्यक्ति के लिए जो कि एब्सेंट है, उसकी तनख्वाह वेतन निकालने के लिए अड़ीबाजी कर रहा है और उसका परिणाम भुगत लेने की धमकी दे रहा है। इस संबंध में क्राइम ब्रांच संज्ञान लेकर FIR की गई। इस FIR के बाद इन लोगों को पूछताछ पड़ताल की गई। ये जानकारी सामने आई कि जो फोन करने वाला व्यक्ति आवारा व्यक्ति है और ये कोई किसी प्रकार से माउस में पदस्थ नहीं है, ना ही वहाँ पे किसी तरह के पीए काम करता है। सिर्फ धमकाने की नीयत से और जो जिस काम नहीं किया उसकी एवज में वेतन दिलाने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों को धमकाया था और नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ भी खराब शब्दों का इस्तेमाल इसमें वीडियो में किया गया है उनके द्वारा। इस संबंध क्राइम ब्रांच को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पूर्व का इनका एक मारपीट का रिकॉर्ड भी मिला है। इसके अलावा और जगह संलिप्तता की जानकारी की जा रही है। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चल रहा है कि पुस्तक विक्रेताओं द्वारा जो स्कूल से बेटा ले लिया। जो आरोपी हैं, एक जिसके लिए फोन किया गया था वहां पर नाइट में ड्यूटी करता कर्मचारी और काफी दिनों से गैर हाजिर है। दूसरा इसका मित्र है जो मुख्य आरोपी, जिसने की कॉल किया था, जो पीए बना था। ये आवारा किस्म का है, कोई बेरोजगार किस्म का व्यक्ति है और लड़ाई झगड़े या मोहल्ले में इस तरह की शोहरत है और जिसके कारण घर से गायब रहता है और ये फोन करके नगर निगम के अधिकारी को धमकाया था। बाद में क्राइम ब्रांच द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।